आजाद भारत के लिए ये हमारे सम्मान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है, गौरव का विषय है। भारत को नई संसद मिली है, इसका स्वागत करना चाहिए। सर, जिस तरीके से लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं कि पार्लियामेंट एक ताबूत है, उसको लेकर क्या कहना है? पहले मैं सोचता था कि विपक्ष में कुछ नेता हिंदू विरोधी हैं, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है ये हिंदुस्तान विरोधी भी हो गए हैं। भारत की नई संसद को, जिसे मां भारती के सपूतों ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है, उसे ताबूत कहना, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। सर, सभी सांसद, चाहे विपक्ष के हों चाहे सत्तारूढ़ पार्टी के हों, सभी लोग सांसद पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, उसको इस तरीके से संबोधन करना कितना शुभ मानते हैं? मोदी से दुश्मनी में कुछ लोग अंधे हो गए, और मुझे लगता है कि जिस संसद को ये ताबूत बता रहे हैं, उसी में बैठने के लिए पगला रहे हैं। अब फैसला देश की जनता करेगी कि ये देश के सम्मान गौरव का प्रतीक आजाद भारत का ये संसद भवन है, लोकतंत्र का मंदिर है, या ये ताबूत है, इसका फैसला मैं जनता पे छोड़ता हूँ। 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो जो जनता जिनको चुनकर भेजेंगी तो वो इसी संसद में बैठेंगे, क्या वो ताबूत को पर बैठेंगे या किस चीज को मना करेंगे? संसद का विरोध करने वालों को इस संसद में नहीं बैठना चाहिए, उन्हें कसम खानी चाहिए कि हम इस संसद में नहीं जाएंगे। सर, जो इलेक्शन है उसमें फिर कैसे लोग पार्टियां, विपक्षी पार्टियां खड़ी होंगी, फिर जीत कर वहां जाएंगी, किस तरीके से देखते हैं? जीत ही नहीं पाएंगे, पहुंचने लायक ही नहीं रहे, देश की जनता इनको छोड़ेगी। भाई, भारत की संसद लोकतंत्र का मंदिर है, और ये आप भी कह रहे हैं, तो मंदिर के उद्घाटन पर रोना पीटना काहे को? मंदिर के उद्घाटन पर, संसद भवन के उद्घाटन पर तो ढोल मजीरे नगाड़े बजाने चाहिए, शंख ध्वनि होनी चाहिए, उत्सव मनना चाहिए। भारत को नई संसद मिल रही है, इसका उत्सव होना चाहिए, ये लोग मातम मना रहे हैं।